एक और 2 अक्टूबर की रात को दीपक एलियस टिनू, जो कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्राड, काला जथेड़ी, संपत नेहरा गैंग का बहुत एक्टिव मेंबर है और जिसका कि सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में काफ़ी बड़ा रोल था, वो मानसा पुलिस की कस्टडी से भाग गया था। तो जैसे ही हमारी टीम्स को पता चला कि ये काफ़ी जो डेस्परेट मुजरिम है, जो कि पहले 2017 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भी भागा था और अब फिर एक 5 साल बाद ये पंजाब पुलिस की कस्टडी से भागा है, तो स्पेशल सेल की डिफरेंट टीम्स ने इस पर बहुत एक्सटेंसिव काम किया। तमाम जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी, इसमें बड़ा एक्सटेंसिव एफर्ट हुआ, राइट अप टू इंडिया नेपाल बॉर्डर, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K ऑल्सो। इसमें काफ़ी नोटेबल डेवलपमेंट्स हुई, काफ़ी नोटेबल हमने इस एफर्ट के दौरान, जो कि पिछले तकरीबन 18 दिन का एफर्ट था, काफ़ी लोगों को डिटेन किया, अरेस्ट किया, उनसे रिकवरीज भी हुई। लेकिन दीपक टिनू क्योंकि बहुत अलर्ट था और इसको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिल रही थी, जिसके कारण से इसने तमाम हाइडआउट्स बदले। रीसेंट एक इसी जो हमारा एक्सटेंसिव टेक वर्क था और ह्यूमन इंट उससे कंबाइंड थी, तो ये एक एरिया था जिसको हमने राजस्थान में ज़ीरो डाउन किया। ये पुराना अनंगपाल का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया था, जो कि पहले एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था। तो आज उसी इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए तकरीबन कपल ऑफ आवर्स बैक हमारी टीम ने दीपक टिन्नू को अरेस्ट किया। दीपक टिन्नू को अरेस्ट करने से इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड्स मिले हैं और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। इसकी जो इनिशियल क्वेश्चनिंग हुई है, उससे ये पता चला है कि 2 नोटेबल जो इसके एसोसिएट हैं, एक रोहित गोदारा जो कि अजरबैजान में बेस्ड है और दूसरा जैक जो कि यूरोप में बेस्ड है, उन्होंने इसकी काफ़ी हाइड आउट प्रोवाइड करने में मदद करी। रोहित गोदारा जो है, ये संपत नेहरा का खास एसोसिएट और पुराना वाकिफ है। जो जैक है, ये अनमोल बिश्नोई का पुराना एसोसिएट है। तो इस तरीके से एक बहुत ही जो डेस्परेट मैन हंट थी पिछले 18-19 दिन की, इस पे मल्टीपल स्टेट्स काम कर रही थी, क्योंकि दीपक टिन्नू कई स्टेट्स में वारदातें अंजाम दे चुका है, कई स्टेट्स में वांटेड रहा है, कई स्टेट्स में अरेस्टेड रहा है। लेकिन एक बार फिर से स्पेशल सेल की एक्सटेंसिव एक्टिविटी के कारण और ख़ास तौर पे काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट अंडर DCP मनीषी चंद्रा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण से दीपक टिन्नू को आज सक्सेसफुली अरेस्ट किया गया है। अभी वो दिल्ली लाया जाएगा, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी और आगे जो भी फैक्ट्स शेयर करने लायक होंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। देखिए, अभी कोई तसल्ली से इसकी इंटरोगेशन नहीं हो सकी है, तो एक बार हमारी कस्टडी में यहाँ आ जाएगा और इसकी अच्छी तरह इंटरोगेशन होगी, तब ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर कर पाएंगे। अभी वो सारा सीक्वेंस हम एस्टेब्लिश करेंगे और जो भी चेन बनेगी और जो भी रेलेवेंट फैक्ट होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसका बाहर जाने का काफ़ी इसका कयास था, इसको था कि बाहर किसी तरीके से निकल जाऊं। हमें पता चला था, कुछ पासपोर्ट भी इन्होंने प्रोक्योर किए थे, उस एंगल पे भी हमारी टीमें काम कर रही थी। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट ऑन ट्रेल्स थी हमारी टीम्स, कि इसको कोई भी वो मौका ही नहीं मिला कि ये कहीं पे आराम से बैठ के इस वाले एंगल पे बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट कर पाता।
इससे पहले कि वो बाहर जा पाता, क्योंकि हमारी टीमों ने लगातार दिन रात इस पे काम किया, तो नॉट ओनली इसको पकड़ा, बट अगर इतना एक्टिव एक्शन ना होता तो हो सकता बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी, जिस तरीके से तूने पासपोर्ट प्रोक्योर कर लिए थे, कि ये बाहर निकलने में कामयाब हो जाता। रोहित गोदारा ने और जैक ने। नहीं, अभी उसकी पत्नी वगैरह कोई एंगल ऐसा नहीं आया है सामने। अभी हमारे पास जो फैक्ट्स हैं जो कि हम शेयर कर सकते हैं वो यही है। थैंक यू।